बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मीठा दलिया बनाना सीखेंगे, वो भी नाज़रीन आप देखिएगा कितनी आसानी से हम बना लेंगे और टाइम सेविंग ये भी रेसिपी है हमारी। और बेहतर होगा नाज़रीन आप इस मीठे दलिये को बनाने के लिए, दलिये को आप 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए पानी में। तो ये हमारे पास भीगा हुआ दलिया है, हमने एक पैन में दलिया ले लिया है नाज़रीन, और साथ ही हमने इसमें दूध डाल लिया है। अगर आपके पास 1 कप भीगा हुआ दलिया है तो उसमें आप 2 ग्लास दूध डालिए। तो ये हमने नाज़रीन दूध और दलिया लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। तो जैसे जैसे ये दूध में नाज़रीन कुक होगा, ये बनेगा, तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको आपको इतनी देर नाज़रीन गैस पर पकाना है कि दलिया जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक ये देखिए नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो चुका है ये, और इसमें बॉयल आ रहा है। तो अब हम, जब आपका दलिया गल जाए, आपको आप चेक कीजिए, जब आपको लगे कि आपका दलिया गल चुका है तो हम उस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। नाज़रीन भिगोने से, जब हम भिगो देते हैं तो बहुत पहले ही फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इससे वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब हमने इसमें 1 बोल चीनी डाल दी है। तो मीठा आप अपनी पसंद से ले लें, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें, और अगर कम चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो फिर आप कम ऐड करें। तो ये देखिए बस मिनटों में तैयार हो जाता है ये दलिया। बस इसके लिए ये है कि ज़्यादातर मीठा दलिया नाश्ते में बनता है, तो बेहतर है आप लोग रात में भिगो कर रखें दलिया, और फिर सुबह उठकर आप फटाफट ये दलिया बना लें। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी, और क्योंकि ये दलिया जो होता है वो गेहूं का बनता है, तो इसलिए नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक ये रेसिपी है हमारी। तो ये हमारा दलिया तैयार हो गया। ऊपर से हम थोड़ा सा तड़का देंगे, इसमें बघार लगाएंगे, जिसके लिए हमने 1 छोटा चम्मच इसमें घी डाला है, और उसमें नाज़रीन लौंग और बड़ी इलायची के दाने हमें हल्के से भून लेने हैं दोनों चीज़ों को घी में, और फिर हम इसके ऊपर से ये डाल देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा इसमें एक फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही अच्छी सी आपकी खुशबू भी आ जाएगी। और बस अब हम इसमें ऊपर से छोटी इलायची का पाउडर पिसा हुआ वो हम स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे इसमें टेस्ट भी आएगा और साथ ही खुशबू भी। तो ये आप दलिया नाज़रीन जैसा चाहें गर्मी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसे फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा करके तब भी सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी चटपट से बन जाने वाली पसंद आई होगी नाज़रीन। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा नाज़रीन, और सब्सक्राइब भी ज़रूर।